अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम प्रेजेंट विद अ न्यू लेक्चर, चैप्टर 6, आर्टिकल्स एंड यूजेस। व्हाट आर आर्टिकल्स? आर्टिकल्स आर द वर्ड्स यूज्ड बिफोर अ नाउन टू शो व्हाट इम्पोर्टेंस अ नाउन हैज़। आर्टिकल्स आर द वर्ड दैट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ नाउन। आर्टिकल्स ऐसे अल्फाज होते हैं जो किसी नाउन की इम्पॉर्टेंस को बताते हैं कि व्हाट द इम्पॉर्टेंस डज अ नाउन हैज़, मींस इट टेल्स अस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ नाउन। टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। फर्स्ट वन, डेफिनेट आर्टिकल विच इज़ द। पहली जो इसकी टाइप है वो डेफिनेट आर्टिकल होती है जो है द। एंड सेकेंड टाइप इज़ इनडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन। फर्स्ट टाइप इज द एंड द सेकेंड टाइप इज ए एंड एन। द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल वाइल ए एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल। हो द इज यूज्ड। नाउ वी विल रीड अबाउट द यूज ऑफ द। द इज यूज्ड टू शो सम स्पेशलिटी ऑफ अ नाउन लाइक। द इज़ यूज फॉर द स्पेसिफिकेशन वर्ड मीन्स द स्पेसिफिक थिंग्स मीन्स खास जगहों के लिए, खास चीज़ के लिए, खास शख्स के लिए, उससे की इम्पॉर्टेंस शो करने के लिए हम वर्ड द यूज़ करते हैं। एज लाइक द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देखें, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज़ द स्पेसिफिक नाउन, इज़ द स्पेसिफिक प्लेस। सो वी यूज़ द यूनाइटेड स्पेस ऑफ प्लेस ऑफ स्टेट ऑफ अमेरिका। द बिगेस्ट एप्पल, सबसे बड़ा सेब, मीन्स इट टेल्स अस अबाउट द सुपेरिटी ऑफ अ थिंग। एंड द टॉलेस्ट ट्री मीन्स द ट्री विच इज़ द टॉलेस्ट। द टॉलेस्ट थिंग नीड्स द स्पेसिफिकेशन, देन वी यूज द वर्ड द। सो वी यूज द विद द यूनाइटेड स्टेट, द बिगेस्ट एप्पल एंड द टॉलेस्ट ट्री। नाउ वी विल यूज द यूज ऑफ ए। A is a consonant letter, so it is used before a noun starting with consonant letter. A means a, ek, simple one. A means one, ek. A किसके लिए use होता है? तमाम के तमाम consonant word के साथ, like a boy, a girl, a pencil. एक लड़का, एक लड़की, एक pencil. It tells us about one thing, means ये जो ए वर्ड होता है ये सिर्फ ए के लिए यूज होता है। हाउ एन यूज्ड? एन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड विद द वोवल वर्ड्स। वोवल वर्ड्स आर, हाउ मेनी वोवल वर्ड्स? वोवल वर्ड्स आर 5, ए, ई, आई, ओ, यू, दीज आर द वोवल वर्ड्स। इट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन स्टार्टिंग विद वोवल लेटर्स। एन उस वर्ड के साथ यूज़ होता है, उस नाउन के साथ यूज़ होता है जिसका पहला लेटर जो होता है वो वोवल साउंड क्रिएट कर रहा हो, लाइक एन एप्पल मींस आ इज़ अ वर्ड यूज्ड विद सॉरी वोवल वर्ड। आ इज़ अ वोवल वर्ड, सो इट क्रिएट, इट विल यूज़ एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन एग। सो वी यूज़ एन विद द ऑल वोवल वर्ड्स विच आर all the nouns which are using with the word all vowel sounds, like an apple, an elephant, an egg, etc., an orange, an umbrella, etc. We can add so many other vowel words. Note, if a consonant letter gives the sound of vowels, then also we use an before the noun. If a noun gives a sound of vowels, like Ali is an honest boy. Honest, H-O-N-E-S-T. So H is giving the sound of vowel. So we used an honest boy. ठीक है, Ali is an honest boy. Ali एक ईमानदार लड़का है. So honest में जो H है वो vowel की sound दे रहा है. आ, H किसकी आवाज़ दे रहा है? आ. So we use an with honest. ठीक है, So we should know about these words. Means an is used with vowel words, a is used with consonant word, the is used for specific word. So dear students,
आप लोग इसके इस टॉपिक में इतना सीख चुके हैं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं और कितने आर्टिकल्स की टाइप्स हैं। दो टाइप्स हैं। पहली आर्टिकल की टाइप है डेफिनेट आर्टिकल, जो द है, और दूसरी आर्टिकल दूसरी जो इनडेफिनेट आर्टिकल है उस ब्रांच में क्या आ जाता है, ए एन एंड। द किसके साथ यूज़ होता है, आ किसके साथ यूज़ होता है और एन किसके साथ यूज़ होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आर्टिकल्स का टॉपिक ब्रीफली समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो लाइक पसंद आई है, अगर आपने इसको लाइक किया है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।